आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नंबर वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नंबर टू इज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड नंबर थ्री इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन द सिस्टम and its surrounding and none exists between the different parts of system itself, the system is said to be in the state of mechanical equilibrium। मतलब कोई भी unbalanced force नहीं हो system और surrounding के बीच में। If the temperature in all parts of the system is uniform, temperature अगर constant हो and is same as that of the surrounding, system और surrounding दोनों का temperature constant हो, देन इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहेंगे इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट नंबर थ्री, इफ द केमिकल कॉम्पोनेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अगर एक सिस्टम इस तीनों कंडीशन को, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों को अगर सेटिस्फाई करता है तो ए सिस्टम विच इज इन थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दैट मीन्स किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जानना जरूरी है। द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक डील्स चीफली विद द सिस्टम विच आर इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब हमें हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो पढ़ेंगे वो सारे सिस्टम जो होंगे वो सारी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम लोग जस्ट बेसिक में स्टार्ट करते हैं, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, देन दे मस्ट बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर। इसे कहने का मतलब है कि अगर तीन सिस्टम है हमारे पास, इसमें से अगर दो सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है थर्ड सिस्टम के साथ, तो वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस स्टेटमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। लेट अस कंसिडर टू सिस्टम्स ए एंड बी। ए और बी हमारा दो सिस्टम है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए एडियाबेटिक वॉल। अब एडियाबेटिक वॉल दैट मींस वन दैट कंडक्ट नो हीट। मतलब इस वॉल में हमारा हीट जो है ए सिस्टम से बी सिस्टम या बी सिस्टम से ए सिस्टम के बीच में ट्रांसफर नहीं होगा, बट ईच बीइंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ थर्ड सिस्टम। ये थर्ड सिस्टम सी के साथ है, बट इट इज थ्रू द डायथर्मिक वॉल। ए से सी का कनेक्शन और बी से सी का कनेक्शन जो है वो डायथर्मिक वॉल के साथ है। व्हाट इज डायथर्मिक वॉल? विच परमिट्स हीट टू पास। मतलब ए से सी या सी से ए या बी से सी या सी से बी के बीच में हमारा जो है हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बट ए और बी के बीच में हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। सो देन द सिस्टम ए विल बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, बी जो है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। सो देन द सिस्टम ए विल बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी एंड सिमिलरली सिस्टम बी विल बी ऑल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी। नाउ इफ एडियाबेटिक वॉल बिटवीन सिस्टम ए एंड बी इंडिकेटिंग देयर बाय that system A was also in the thermal equilibrium with system B. So, if two system A and B are in thermal equilibrium with third system C separately, then they will be in the thermal equilibrium with each other. That means, अगर A C के साथ thermal equilibrium में है,
बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि टेम्परेचर दोनों का अगर सेम है तो ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा। यही है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ऑल दीज थ्री सिस्टम कैन बी टू सेट टू प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट दे आर बीइंग इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेम्परेचर। We may therefore define the temperature of a given system as a property that determines whether or not the system is in the thermal equilibrium with the neighboring system. It is obvious that if two systems are in the thermal equilibrium, they will be at a different temperature. अगर वो thermal equilibrium में नहीं होगा, that means दोनों का जो temperature होगा वो अलग अलग होगा। अगर वो thermal equilibrium में है दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड इंटरनल एनर्जी एंड हीट। यहां पे हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। सो व्हाट इज वर्क? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज यहां पर भी हम लोग देखेंगे। द टर्म वर्क रिफर टू एन इंटरचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इट्स सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। इफ there is a force vector F produces an infinitely small displacement ds, then the work done by the force is equal to dw is equal to F dot ds। ये हमारा यहाँ पे dot product है। If the force is exerted by the system as a whole on its surrounding and a displacement takes place, the work done either by the system or on the system is called external work। For example, a gas contained in a cylinder at a uniform pressure while expanding pushes the piston out and does external work on its surroundings. On the other hand, the work done by one part of a system on the another part of the same system is called internal work. तो यहाँ पर हम दो तरह का work देखें। एक है external work जो हमारे system को push करके बाहर piston को बाहर की ओर move कर रहा है, that is internal external work। और सिस्टम के अंदर में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर में सेम पार्ट में जो हमारा वर्क होगा उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल वर्क। फॉर एग्जांपल, इन एन एक्चुअल गैस देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये इंटरनल वर्क का एग्जांपल है। सो फॉर एग्जांपल, इन एन एक्चुअल गैस देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड सच ए गैस एक्सपेंड्स, द वर्क इज डन अगेंस्ट दीज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स which is in the internal work. Thus, the interaction of the molecules of a system on one another constitute internal work. मतलब इस गैस के बीच में जो intermolecular attraction के चलते जो work done produce होगा उसी को हम लोग कहेंगे internal work. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर ए स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कैलकुलेशन ऑफ W for a specific thermodynamic process. For that, let us consider a constant mass of a gas in a cylinder. ये एक सिलेंडर है जिसमें हमारा एक गैस है जो इसका मास जो है वो कांस्टेंट है। कंटेनर विथ ए मूवेबल पिस्टन, ये जो पिस्टन है जो मूवेबल है। We may consider the gas as a system and the piston and the cylinder as a surrounding. सिलेंडर को हम लोग सराउंडिंग्स मानेंगे और इसको सिस्टम मानेंगे, गैस को और पिस्टन को। Let initially the system is in equilibrium with the surrounding and has the pressure P1 and V1. Pressure शुरुआत में इसका P1 है और volume जो है वो V1 है। Heat can flow into the system or out of it through the walls. Wall के through heat जो है वो system से अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। And work can be done on the system by having the piston compressed, or work can be done by the system by expanding against the piston. So let us consider some process whereby the system interacts with the surrounding and reaches a final equilibrium position state characterized by pressure P2 and volume V2. Final volume hamara V2 ho gaya aur final pressure ho gaya P2. Let the gas is expanding against the piston and the work done by the gas is displacing the piston through a infinitely small displacement ds is given by dw is equal to fds, जो work done का हमारा formula होता है, force work done is equal to force into displacement, where f is the force exerted by the gas on the piston।
If capital A is the area of the piston and P is the pressure at an instant when the displacement ds is taken place, then dw is equal to pa ds. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि pressure is equal to force per unit area होता है. So हमारा यहाँ पे force के जगह पे आ गया pressure into area into ds. Area into ds मतलब area into ds ये dimension देगा volume का. So इसको हम लोग मान लेते हैं dv is equal to area into ds is equal to हमारा यहाँ पे, क्योंकि एरिया ये जो है एरिया का डायमेंशन है दैट इज मीटर स्क्वायर, और ds जो है वो मीटर का डायमेंशन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट का. सो ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा ds. इन जनरल द प्रेशर वेरीज ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट, वी मस्ट नो हाउ p वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट. सो लेट टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाई इंटीग्रेटिंग dw. सो इनिशियल वॉल्यूम इज v1, V1 से V2 के बीच में इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. लेट नाउ रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट P1 V1 ऑफ ए गैस बाय द पॉइंट A एंड इट्स फाइनल वॉल्यूम P2 V2 बाय द पॉइंट B ऑन द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. ये एक प्रेशर वॉल्यूम का हमारा डायग्राम है जिसमें से ये P1 V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फाइनल स्टेट P2 V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. द इंटरमीडिएट चेंजेस ऑफ द प्रेशर आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द लाइन AB. ठीक है, ये हमारा dv है यहाँ पे, ये p है हमारा. इस स्मॉल वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. टोटल वर्क डन अगर a से b के बीच में हमको फाइंड करना होगा तो हम लोग v1 से v2 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. एट एनी पॉइंट सच एज e ड्यूरिंग दिस चेंज लेट द प्रेशर ऑफ द गैस p एंड लेट दिस वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय द इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट dv. यहाँ पे हमारा dv अमाउंट ऑफ है और ये हमारा प्रेशर p है. By the infinitely small dv to reach the point F, E or F के बीच में अगर small amount हम लोग ले रहे हैं calculate. The shaded strip that is E, F, G, H may be regarded as the rectangle of area PV. अगर इसको हम लोग rectangle consider करें तो rectangle के area होता है length into breadth, तो ये P into dv हो जाएगा. But PdV is the amount of work done by the gas, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे देख चुके हैं. PdV is equal to amount of work done. So but PdV is the amount of work done by the gas during the small expansion dV. Thus, the work done by the gas PdV is represented by the area of shaded strip. The total work done by the gas is moving from A to B is clearly equal to the sum of the areas. इस तरह के और भी सारे areas को हम लोग को calculate करना होगा, सबको add कर देना होगा. So, sum of such areas, strips that is equal to the area ABCD, bounded between the curve AB and the volume axis from V1 to V2. So, ye W is equal to ho jayega V1 to V2 PdV is equal to area of this curve ABCD. Thus, on an indicated diagram, this tarah ke curve ko pressure aur volume ke beech ka jo curve hamara jo hota hai thermodynamics mein, isko hum log indicated diagram bhi kehte hain. Basics mein hum log isko dekh chuke hain. So, thus, on an indicated diagram, the area between the PV curve, the volume axis and the two ordinates at the extremes of the PV diagram gives directly the work done during the operation. तो इस तरह से हम लोग work done calculate कर सकते हैं. Next हम लोग देखेंगे बाद में इसके next video में कि internal energy हम लोग कैसे calculate करते हैं same procedure से.